हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपाज लाइव ब्लॉग। तो आज मैं फिर से एक और चने की नई रेसिपी लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने कुछ दिन पहले जो है रसेदार चने की रेसिपी शेयर की थी, अगर आपको देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज मैं जो चना रेसिपी लेकर आई हूँ, लच्छा प्याज चना मसाला, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो इसे आप पूड़ी से या पराठे से खाइएगा, तब इसका मज़ा आएगा इसे खाने में। तो चलिए मैं इसकी रेसिपी आपको बताती हूँ। उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं रोज़ रोज़ जो नई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए, मुझे इसके लिए सबसे पहले चने चाहिए, जिसको मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिया था चने को। तो यहाँ पर मेरे चने एकदम तैयार है। अब मैंने दो बड़ी प्याज ली है, जिसको मैंने गोल शेप में स्लाइस करके कटिंग कर लिया है, जैसे सैलड काटते हैं। अब मैंने उन प्याज के सारे लच्छे निकाल लिए, यानी एक एक परत इनकी खोल के, प्याज को अलग अलग करके इनकी परतें खोल खोल के इनके लच्छे तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं सारी परतें खुल चुकी है प्याज की, तो यहाँ पे लच्छे मेरा तैयार है बिल्कुल। यहाँ पे दो टमाटर लिया है मैंने, जिसको मैंने गोल स्लाइस में कटिंग करा है, जैसे सैलड काटते हैं। अब यहाँ पर मैंने दो हरी मिर्च लिए हैं, यहाँ पर मैंने इसको भी लंबे लंबे स्लाइस में कटिंग कर लिया है। यहाँ पर एक टुकड़ा अदरक का लिया था, इसे भी मैंने लंबा स्लाइस में ही कटिंग कर लिया था। अब मैंने यहाँ पे जो जो सामान यूज़ करा है वो आपको दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पे मैंने प्याज लिया है, प्याज के लच्छे, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च। तो चलिए इसे अब बनाते हैं। यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ, तो अब यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर रिफाइंड यूज़ कर सकते हैं। मैं जो आपको ऑयल डिस्पेंसर दिखा रही हूँ, ये मैंने मीशो से मंगवाया था, आप चाहे तो मंगवा सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर शेयर कर दूंगी। इसमें पूरा एक लीटर तेल आता है, और इसको आराम से खोल के आप साफ भी कर सकते हैं, धो भी सकते हैं। तो चलिए तड़के के लिए आपको बताती हूँ। जीरा, दो लौंग, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची और काली मिर्च, तेज़पत्ता, साथ में दो तीन मैंने साबुत मिर्च ली है। तो ये मैं तड़के के लिए तैयार करूँगी। तो चलिए तड़का लगा देते हैं। जब मेरा सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तब मैंने तड़का लगाया है, नहीं तो आपको सरसों के तेल की स्मेल आएगी। तो आपको जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब डालना है। अब मैंने इसमें अदरक भी डाल दी है, ताकि अच्छे से इसमें भुन जाए। मैंने इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर दिया है। तो ये हरी मिर्च और अदरक आपको तेल में बहुत अच्छे से भुनना है, जब तक ये अच्छा सा कलर ना दे दे और अच्छे से सुगंध ना आने लग जाए। क्योंकि अदरक जो है बाद में, नहीं तो आपको कच्चापन लगेगा। इसलिए मैं इसको अच्छे से तेल में पहले ही भुन लूँगी अदरक को। यहाँ पर देखिए, मेरे अदरक और हरी मिर्च बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ, जो मैंने लच्छे तैयार किए थे। तो यहाँ पे मैं प्याज सारी नहीं डालूंगी, आधी प्याज के लच्छे डालूंगी और आधा प्याज का लच्छा मैं बचा के रखूंगी बाद के लिए, बाद में डालूंगी एंड में। यहाँ पे देखिए मैं प्याज डाल चुकी हूँ। अब जो है, जो मेरी बची हुई छोटी छोटी प्याज के लच्छों में से जो निकल जाते हैं ना, वो प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ताकि वो यूज़ हो जाए। अब मैं इसमें जो है अच्छे से प्याज को भुनने के बाद, क्योंकि प्याज हमारी कच्ची ना रहे, हल्की हल्की सी वो भुन जाए, तब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने टमाटर भी मैंने आधे डाले हैं, आधे मैंने टमाटर बचा के रखे हैं बाद के लिए, बाद में डालूंगी उसको। अब यहाँ पे मसाले ऐड करते हैं। एक चम्मच छोटी मैंने हल्दी डाली है, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच मैंने धनिया पाउडर, साथ में एक छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, साथ में मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है एक छोटा चम्मच, और स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पर मैं सारे मसाले ऐड कर चुकी हूँ। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। भूनते समय आप गैस का फ्लेम बहुत धीमी कर लेना, नहीं तो मसाले आपके जल जाएंगे। और धीमी फ्लेम में ही आपको मसालों को भूनना है, जब तक इसमें से सुगंध ना आने लग जाए, खुशबू ना आने लग जाए। तो हमारा मसाला यहाँ पे भून चुका है। अब मैं इसमें जो है चने ऐड कर दूंगी। अब चना और जो हमारा जो मसाला है, इसको हम अच्छे से इसको मिलाएंगे, आपस में इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, मतलब लच्छों के साथ चना जो लिपटा हुआ है ना आपस में, देखने में मज़ा आ रहा है। तो खाके भी देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा इसे। तो यहाँ पे हम दो मिनट के लिए इसको ढक देंगे, ताकि मसाला और चना आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने दो मिनट के लिए ढका था। अब इसको हम फिर से हिला रहे हैं थोड़ा सा, मसाले और चना हमारा, ताकि अच्छे से मिक्स हो सके। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया है काले चने के साथ। तो अब जो है इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, नहीं तो हमारा जो इसका जो मसाला है सूखा सूखा सा लगेगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है इसमें। ग्रेवी नहीं करनी है, बस थोड़ा सा पानी ऐड करके इसके मसाले चने को आपस में मिक्स हो जाए, इसलिए हमने ऐड किया है। तो हमने दो मिनट ढक दिया था। अब देखिए यहाँ पे हमारा बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल बनके एकदम तैयार है। तो जो बची हुई प्याज के लच्छे थे वो मैं इसमें डाल चुकी हूँ, बचे हुए टमाटर डाल चुकी हूँ। ये हमें कच्चा ही डालना है इसके ऊपर, क्योंकि जो मेन फ्लेवर है
वो इन प्याज का ही आना है जो हमने बाद में डाला है। तो अब आप देखिएगा इसका फ्लेवर कितना अच्छा आता है। अब मैं इसको फिर से 2 मिनट के लिए फिर से मैं ढक दूँगी ताकि अच्छे से प्याज का फ्लेवर अच्छे से इसमें आ जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 मिनट बाद मैंने इसे ढक्कन को खोल के देखा, अरे वाह बहुत ही बढ़िया कलर आया है। यहाँ पे मेरे लच्छे एकदम तैयार है, चना मसाला प्याज लच्छा के साथ। तो यहाँ पे आपको सलाद की भी ज़रूरत नहीं है, आपका सलाद भी इसी में ही ऐड हो गया है, इसी प्याज के लच्छे के साथ आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा और स्वाद बढ़ जाएगा इसका। तो आप इसको घर पे ज़रूर बना के देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसा बना है और कैसा लगा है खाने में। इसे आप ज़रूर पूड़ी से या पराठे से ही खाइएगा, मज़ा उसी के साथ है खाने में। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको। और आपको ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए आपको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपके पास मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जा पाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।